आईफोन यूजर्स के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है डेटा ट्रांसफर करने की। अगर आप भी आईफोन यूजर हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम जरूर आती होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन से अपने पीसी या फिर लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करेंगे, या फिर पीसी या फिर लैपटॉप से अपने आईफोन में कैसे डेटा ट्रांसफर करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बहुत ही आसानी के तरीके से आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है थीम। यहाँ पर गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे थीम फॉर पीसी, थीम। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट आएगा इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आईफोन, आईपैड, मैक, एंड्रॉयड, राइट। हमको इंस्टॉल करना है किसके लिए? विंडोज़ डेस्कटॉप के लिए। डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कोने में कि डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, 34 MB का है। यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद इसको हमको इंस्टॉल करना है, तो इस पर डाउनलोड के बाद क्लिक करेंगे। डाउनलोड होने दीजिए। अब हम करेंगे इस पर क्लिक, डबल क्लिक, ओपन करेंगे इसको। इधर आ गया और बाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, कैंसिल कर देना है, राइट। यहाँ पर जो ये दिख रहा है डबल लाइन पर, इस पर डबल क्लिक करना है, राइट। उसके बाद ये परमिशन मांगेगा इसको ओपन करने के लिए, रन करने के लिए। ऐसा क्लिक करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, नेक्स्ट, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट क्लोज द एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक क्लोज नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब हमको सेम अपने आईफोन में भी सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर जाएंगे और उसके बाद सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे एंड इसको आप करना है क्लिक, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक नेम देगा, आई एम फेक रोबिन, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम है इसका। उसके बाद आपके कंप्यूटर में आपको थीम ओपन करना है, यहाँ से ओपन करते हैं थीम, और ये दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको नेम दिया है, क्या दिया है, आई एम क्रेजी फाउल, राइट। तो ये ऑलरेडी वाईफाई रवि से ये कनेक्ट है, राइट। तो अब मैं आपको एक बात बता दूँ, एक सीक्रेट ट्रिक इसमें ये है। सीक्रेट मीन्स कह सकते हो कि हमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक एप्लीकेशन, उसमें वाईफाई नेटवर्क चाहिए, राइट। तो वाईफाई नेटवर्क आप मोबाइल का भी ले सकते हैं या फिर आपके पास वाईफाई है तो उसका भी रख सकते हैं। जैसे ये कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि वाईफाई एक रवि नाम से एक वो है, वाईफाई है, इससे कनेक्ट है, और सेम हमको सेम वाईफाई से मोबाइल को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपना वाईफाई ऑन करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे, और ये भी देख सकते हैं कि रवि से ये भी कनेक्ट है। तो सेम वाईफाई से जब दोनों कनेक्ट हो गए तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेजी फाउल यहाँ पर कनेक्टेड आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करेंगे, आप मैं ऑलरेडी पहले से फोटोज सेंड कर चुका हूँ, और जब कनेक्टेड आ जाएगा ना तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, तो दोनों आपके कंप्यूटर में भी एंड मोबाइल में भी यहाँ कनेक्टेड आ जाएगा। तो यहाँ पर फेक रोबिन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्रेजी फॉल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे व्हाट्सअप चैटिंग करते हैं ना, यहाँ भी सेम चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर फोटो ट्रांसफ़र कर रखा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। सेंड फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कौन सी फाइल मैं ले लूँ, एक कोई फाइल ले लेते हैं, ये वाला फोटो ले लेते हैं, राइट। उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ कंप्यूटर में ये ऑलरेडी फोटो आ चुका है, एकदम जस्ट क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर फोटो आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ से सेंड किया, राइट। और अब चलते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब हमको अपने पीसी से अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है, कौन से फ़ोटो ट्रांसफ़र करेंगे। सेंड फाइल पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर अपने ड्राइव से या फिर जहाँ भी अपने स्टोरेज लगा रखा है वहाँ से आप सेंड कर सकते हैं फ़ोटो। तो मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, कौन सी फ़ोटो ले लूँ, कोई एक फ़ोटो लेता हूँ, ये वाली फ़ोटो लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो ट्रांसफ़र शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि जस्ट क्लिक किया हमने और यहाँ पर ये फ़ोटो आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे, ओपन फाइल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो तुरंत आ गया है, यानी कि क्लियरिटी भी बिल्कुल डाउन नहीं हुई है और एकदम फ़ोटो भी यहाँ पर आ गया। जैसे ये वाला फ़ोटो हमने सेंड किया था, यहाँ भी ओपन कर लेते हैं, ओपन करते हैं ये वाला सेम फ़ोटो। आप देख सकते हैं कि दोनों की क्लियरिटी एकदम दोनों की क्लियरिटी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, एकदम वो भी यहाँ सेम। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फोटोज़ एंड वीडियोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड एप्लीकेशन है, आपको वाईफाई के थ्रू आपका फोटो वीडियो ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी वायर के, यानी कि बिना किसी यूएसबी केबल के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।